और आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। आपको बता दें अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती है उड़ान। नवंबर में अयोध्या से दिल्ली मुंबई के लिए शुरू हो सकती है उड़ानें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी पर है। श्री राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 2 और फेज 3 का निर्माण फेज 1 के निर्माण के बाद शुरू होगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती है उड़ानें। नवंबर से अयोध्या से दिल्ली मुंबई के लिए शुरू हो सकती है उड़ानें और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी पर है। श्री राम मंदिर से 8 किलोमीटर दूर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट और राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले एयरपोर्ट शुरू होने की खबर सामने आ रही है। फेज 2 और फेज 3 का निर्माण फेज 1 के निर्माण के बाद होगा शुरू। ये बड़ी जानकारी अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर श्री राम मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फेज 2 और फेज 3 का निर्माण फेज 1 के निर्माण के बाद शुरू होगा। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती है उड़ानें। नवंबर में अयोध्या से दिल्ली मुंबई के लिए शुरू हो सकती है उड़ानें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी पर चल रहा है और श्री राम मंदिर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फेज 2 और फेज 3 का निर्माण फेज 1 के निर्माण के बाद शुरू होगा। आपको बता दें कि 2024 के जनवरी महीने में प्राण प्रतिष्ठा का समय तय किया गया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि उससे पहले अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो सकती हैं। और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले शुरू हो सकती है उड़ानें।